क्या रिलैक्सेशन हो सकता है, किन स्टेट्स पे हो सकता है, किन जगहों पे हो सकता है, इसकी जो गाइडलाइंस आएगी बाद में आएगी, कल इस अगले 7 दिन की गाइडलाइंस और कैसे रिलैक्सेशन हो सकती है उसकी गाइडलाइंस भी होगी। ये संबोधन करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को कहा है कि इससे अभी भी काफी खतरा है देश को और इसीलिए ये लॉकडाउन इस तरह से जारी रहेगा। हम सवाल करना चाहते थे हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ है, बाप्पा सिन्हा है, जो मॉडलिंग के काम करते हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, जो कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पहले बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कहा कि मॉडलिंग से साबित हुआ है कि संख्या काफी कम हुई है, उसके बारे में क्या उनका राय है। और खास तौर से इस वक्त अगर हम बढ़ोतरी की रेखाओं को देखें, ग्राफ को देखें, तो क्या सचमुच हमें फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व नजर आ रहा है, क्या देश के लिए फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हो रहा है, खास तौर से उन प्रदेशों में जहां पर भारी मात्रा में COVID-19 से शिकार लोग बीमार पाए जा रहे हैं, उनकी क्या हाल है उसकी देखेंगे। इसके बाद हम सत्यजीत रथ, प्रोफेसर सत्यजीत रथ से चर्चा करेंगे कि हमारा जो इस तरह से एपिडेमिक को लड़ने के लिए अभी जो हमारा कार्रवाई हुई है, तो क्या इस कार्रवाई में हम ज्यादा पुलिसिंग कर रहे हैं, कर्फ्यू की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर एक महामारी में जो इसका हेल्थ पहलू है, अस्पताल से लेकर दवाइयों से लेकर और कुछ चीजें जो है उसके बारे में हमारा क्या रवैया है, और खास तौर से सामाजिक जो एक यूनिटी इस पे बननी चाहिए उसके जगह पर सरकार क्या कर रही है। और इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो लोग भी अभी भी ऐसे जगहों पे हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात होती है वो हो नहीं पाता है, जैसे धराबी में है जहाँ हॉटस्पॉट निकल रहा है, वहां पर सरकार की क्या रवैया होनी चाहिए। बापा आपसे शुरू करते हैं कि वी ऑलरेडी हैव द फिगर्स दैट आर नाउ देयर टुडे इटसेल्फ and the figures are not looking very good. Also, the rate of growth doesn't seem to have dropped at least significantly. कि बहुत कम बढ़ोतरी इस तरह से तो नहीं लग रहा है, खास तौर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, तीन सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स हैं, उस पर काफी मात्रा में अभी भी बढ़ोतरी जारी है। तो इन ग्राफों को देखते हुए आपका क्या राय है इसके बारे में? See, if you look at the all India rate, there has been a claim has been made by some scientists from an institute in Chennai, a mathematical institute in Chennai, that there has been a slight dip in growth rates since April 6th. So if you actually look at the India's aggregate case numbers, so there is a slight dip. Now, whether that dip is a sustainable dip or it's a statistical aberration. So by that, what I mean is that numbers will, like one day the numbers will be slightly lower, the next day it will make up by having larger numbers. On average, it remains the same. So whether this dip we are seeing is a long-term trend or a statistical blip, I think it's too early to make any definitive conclusions on that. आपका कहना है कि अगर हम 3-4 दिन 5 दिन का ट्रेंड नहीं देखेंगे तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, किस रफ्तार से जा रहा है वो साफ नहीं होगा, वो तस्वीर साफ नहीं होगा। तो खास तौर से एक तो ये बात है, दूसरी बात है जो अभी भी अगर हम देखें तो जो प्रदेश खास तौर से महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, इनकी बढ़ोतरी से क्या नजर आ रहा है? राइट, हाँ, तो अगर नाउ इफ यू लुक एट these states, and these are the top three states, Maharashtra, Delhi and Tamil Nadu, if you look at their graphs, they are not dipping at all. They are continuing to grow at a doubling rate of roughly every 4 days. And so these states are what everybody is talking about. But if you look at even other states like Rajasthan, Telangana, MP, UP, Gujarat, AP. So this is like a whole bunch of states where the numbers are continuing to grow at a very at the rate it was growing since the last few weeks.
I think there is only one state where you can say with some level of confidence that the epidemic has been brought under control, and that is Kerala. And if you look at Kerala's charts, then it is clear that the total case numbers, that has clearly flattened out. And Kerala is now adding very few new cases every day. Kerala was, by the way, one of the first places where cases were discovered. And in the month of March, Kerala had the largest number of infected reported cases. The early starter in that sense. Yes. Partly because Wuhan students came from basically from China to Kerala. And also it is the one which sees a lot of foreign tourists as well as a lot of Gulf expats coming back and forth. So both these things, you would have expected Kerala to have much more infections, but the measures taken by the Kerala government seem to have flattened the curve. Such things are not yet visible, particularly in the states which you are saying are fast, in real numbers of rising fast, particularly the three most infected states, as well as in the states which are following them. So this does not give a very good prognosis of the situation. Halat bahut acha is waqt nahi hai. Hum ek keh sakte hai ki we are teetering on the edge. Explode karne ki bhi sambhavna hai, rokne ki bhi sambhavna hai, but ispe depend karegi sarkar isko kaise tackle karti hai. Satyajit, aapke paas aana chahte hai is waqt. If we look at what we are seeing, there are two parts to all of this. And Bappa has also done some work on the testing rates itself. And we have a chart which shows how the states are testing. And that chart seems to show that our test rates are still pretty low if you take all the states. Why is our test rate so low? Hamare testing rates itne niche kyun hai? Duniya mein hum kafi is mamle mein kafi piche hai. To kya ho raha hai ki hamare yahan test kits nahi hai? Test kits ab istemal nahi kar rahe hain. Aam logon ke agar koi us pe vivad ki lakshan nazar aaye, can they go and find a place where they can get tested? What is the situation of the test kits? इसके लिए थोड़ी बातें इसलिए याद रखनी चाहिए. इसके पहले के टेस्ट किट्स पे अपन आए कि हमारी टेस्टिंग बढ़ने लगी है, वो लॉकडाउन के दरमियान बढ़ने लगी. लॉकडाउन के पहले हमने तकरीबन कोई टेस्टिंग करी ही नहीं थी. मतलब आंकड़े इतने छोटे थे कि उनके आधार पर बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता था. तो हमने जब लॉकडाउन किया तो हमने अंधेरे में छलांग लगाई. तो ये छलांग हमने इसलिए लगाई कि इन तीन हफ्तों के दरमियान हम हमारी टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाएं, हम हमारी आउटरीच की क्षमता बढ़ाएं, जिसके जरिए हम समाज में जाकर, बस्तियों में, बाड़ों में जाकर केसेस ढूंढें, उनके कांटेक्ट ढूंढें, उनकी डायग्नोसिस जल्दी से कराएं, उनका कंटेनमेंट अगर करना है लोकल ट्रांसमिशन का तो वो कराएं. और इसके लिए एक आम सामाजिक जागृति हो, एक साझा समझ हो और वो बढ़ाए. इसके लिए हमने तीन हफ्तों का एक लॉकडाउन किया था. लेकिन इन तीन हफ्तों में क्या कुछ भी नहीं हुआ है? हुआ है, टेस्ट्स बढ़े हैं, लेकिन टेस्ट्स उतनी औसत में नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए. इसकी वजह है क्या क्या है? एक तो वजह यह है कि हम घर की बनाई हुई टेस्ट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खरीद के टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. हम खरीदी टेस्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनमें क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी इश्योरेंस है. विदेशी इंपोर्ट कर रहे हैं, विदेशी हैं आमतौर पे, कुछ बहुत छोटे पैमाने पर देशी भी हैं, लेकिन दोनों कमर्शियल टेस्ट हैं. तो इसमें परेशानी ये है कि जो देशी टेस्ट हैं वो अपने बनावट के आंकड़े बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा नहीं सकते. मैन्युफैक्चर उतनी बड़ी स्केल में हो नहीं सकता. तो ये मैन्युफैक्चर बड़ी स्केल में कहां होगी?
विदेश में होगी। विदेश में जो कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट सप्लाई कर सकती हैं, उनके पास ढेर सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो तब सवाल यह उठता है कि आपने कितने पहले ऑर्डर दिए थे। ये तो आप सरकारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें, जैसे ट्रंप मोदी से किया हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए, उस तरह से आप बात करें, डंडे के बल पे नहीं, पर कम से कम बात करें चाइनीज प्रेसिडेंट से, जिनके अभी चीन के पास टेस्ट बनाने की क्षमता है, एक्सपोर्ट करने की क्षमता है, और उनके यहाँ इतनी बीमारी के फैलाव है नहीं, तो ये भी हम कर सकते थे, वो भी हम नहीं कर रहे। साउथ कोरिया से भी बात कर सकते थे, और किसी हद तक शायद इस तरीके की बातें हुई हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें से बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला। तो ये एक मर्यादा है कि हर दिन हम कितनी टेस्ट कर सकते हैं। आज हम तकरीबन 12 से 15,000 टेस्ट ICMR के अनुसार रोजाना कर रहे हैं, और ICMR का दावा है कि अगर इस रफ्तार से हम टेस्ट करते रहे तो अगले 6 हफ्तों तक करने के लिए हमारे पास टेस्ट मौजूद है। लेकिन क्या इतनी काफी है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आंकड़ों के हिसाब। दूसरी बात यह है टेस्ट्स को लेकर कि जिस तरीके की ये टेस्ट्स हैं, PCR टेस्ट्स कहते हैं जिन्हें, उसके लिए एक विशिष्ट मशीन की जरूरत पड़ती है, काफी महंगा मशीन है और आसानी से हर जगह लगाया नहीं जा सकता, हर जिसको इस्तेमाल करने की क्षमता और जानकारी नहीं होती, तो इसलिए टेस्ट्स उतनी जगहों पर नहीं हो सकती जितनी जगहों पर हम विकेंद्रीकृत टेस्टिंग रवैया अगर अपनाते तो कर सकते। तो इसलिए तीसरी मर्यादा खड़ी हो जाती है, वो ये है कि जब आप सैंपल लेते हैं किसी संभावित मरीज से, तो उस सैंपल को आपने जहां टेस्टिंग की मशीन है वहां तक पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए आपकी जो प्रशासनिक प्रावधान है वो कितने क्षमतापूर्ण है, कितने सही है, कितनी गति से वो पहुंचा सकते हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो एक ओर से टेस्ट किट आपके पास हो भी, दूसरी ओर से टेस्ट करने के लिए लोग तैयार हो भी, लेकिन तीसरी ओर से अगर सैंपल टेस्ट तक ना पहुंचे तो आपकी टेस्टिंग की रफ्तार उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। So do you think that the government has really not been able in the last 3 weeks, the government and ICMR and other authorities, to really expedite the rate of testing and build that capability and the infrastructure that you are talking about? So I think that despite efforts, I am not making any novel points. These are the obvious points at which bottlenecks can arise for testing. And I think that over the past 3 weeks, we have seen the emergence of honest efforts being made. But it is not equally clear that these honest efforts have been successful. And if these honest efforts have not been successful, then we need to know and we need to begin to talk about, discuss and think about possible alternatives based on where the bottlenecks are that are persisting. You know, the other thing that comes up is that if we are not able to test in large numbers, then targeted testing and graded lockdowns, that means you focus on smaller clusters where the disease is, you're able to identify the people. In fact, what can be called the Pathanipattam or the Kerala model, what for instance has been done in Korea, those options are closed. Wo hamare wo rasta nahi ban payenge kyunki jab tak hamare paas paryapt test kits nahi honge hum targeted test jo hai bade bade paimane pe hot spots pe laga ke contact tracing karke nahi kar sakte. Is that the reason we are sort of using the more policing approach of what would be called the curfew nights and days, which is now being seen in the lockdowns, because it's just policing the people. We have seen even lathi charges taking place on shopkeepers and people, and this has long term consequences. Bahut lamba agar chalayenge, logon ke paas khane ka nahi hai,
जब लोग बाहर नहीं जा सकते तो एक पॉइंट पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बड़ा हो सकता है। कानून और सुव्यवस्था की ओर तो अनेक बाद में आते हैं, पहले जो आपने तकनीकी सवाल उठाया कि क्या हॉटस्पॉट्स में जो जिस तरीके से इंटेंसिव ट्रेसिंग होना चाहिए, इंटेंसिव कंटेनमेंट होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास टेस्टिंग की क्षमता मौजूद है या नहीं। और इसके जवाब में आप से सहमत हो के मैं और एक मुद्दा उठाना चाहूंगा, वो ये है कि जब आपके पास हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, जहां पे आम बस्तियों में SARS-CoV-2 का फैलाव हो रहा है, वहां पे सिर्फ हमें इस जानकारी की जरूरत नहीं है कि किसको अभी हाल में वायरस का संसर्ग हुआ है, वो जानकारी तो चाहिए हमें, लेकिन उसके बढ़कर उससे बढ़कर हमें यह भी जानकारी चाहिए कि किसे पिछले चंद दिनों में वायरस का संसर्ग होके वो ठीक हुए हैं और इसलिए शायद हो सकता है कि उन्हें दोबारा संसर्ग ना हो, कम से कम तुरंत ना हो। और उसके लिए दो अलग टेस्टों की जरूरत है। एक टेस्ट का जिक्र हमने किया जो RT-PCR के जरिए है, जिसमें यह जानकारी होती है कि वायरस क्या अभी शरीर में मौजूद है या नहीं। दूसरी टेस्ट, जिसे आमतौर से रैपिड डिटेक्शन टेस्ट कहा जा रहा है, और मेरे मानने में यह बिल्कुल गलत नामकरण है, क्योंकि यह रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वायरस के लिए नहीं है। यह रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वायरस के खिलाफ हम जो प्रतिरक्षा बनाते हैं उस प्रतिरक्षा के लिए है कि हम एंटीबॉडीज बनाते हैं वायरस के खिलाफ। और ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ये बताता है कि क्या शरीर में एंटीबॉडीज इस वायरस के खिलाफ मौजूद हैं। अब एंटीबॉडीज को लेकर स्क्रीनिंग करना है, लेकिन आप जब वायरस को खोजेंगे तो आप बीमार लोगों में और उनके इर्द गिर्द खोजेंगे। आप जब एंटीबॉडीज को खोजेंगे तो आपको पैमाना बढ़ाना पड़ेगा, आपको फैलाव बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग की जरूरत है, जो बाबा भाई जानते हैं कि किस तरीके से आप स्टेटिस्टिकल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करो इसके लिए कि कौन प्रीवियसली इन्फेक्टेड है, कौन अभी इम्यून है, इसकी भी जानकारी हमें समाज में हॉटस्पॉट्स में मिलनी चाहिए। क्या इसके लिए हमने उस तरीके की स्टेटिस्टिकल और मॉडलिंग के आधार पर तैयारी करी हुई है? क्या हमारे पास उतनी एंटीबॉडी टेस्ट्स मौजूद है? इसको लेकर हमें कुछ कोई बता नहीं रहा। हाँ, तो किट्स हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास कितने हैं, कितने इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कब, जो आप कह रहे हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, इसके भी कोई बात खास हमारे पास आंकड़े कुछ नहीं है। हमें सिर्फ बताया जाता है कि होएगा, हो रहा है। तो इसीलिए लग तो रहा है कि फोकस इस वक्त सिर्फ लॉकडाउन के अलावा और किसी चीज पे अभी तक फोकस जा नहीं रहा है। अगर जा भी रहा है तो काबिलियत उस पर दिख नहीं रहा है। तो मैं इस सरजीत आपको थोड़ा सा इतिहास पे ले जाना चाहता हूँ। एक जमाने में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे प्लेग हो, चाहे जैसे इन्फ्लुएंजा 1918 का सबसे बड़ा महामारी माना जाता है वो हो, सब में पुलिस और डंडे के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार थी, तो हमारे सरकार भी इस वक्त जो रवैया अपना रही है कुछ हद तक इसको पुलिसिंग से रोकने की बात कर रहे हैं, पर जो उनकी न्यूनतम काम है कि टेस्टिंग किट्स उपलब्ध कराना और खास तौर से अस्पताल में जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को दिलवाना, ये दोनों कामों के आंकड़े हमारे पास नहीं है, बल्कि विक्षोभ जो है लोगों में वो देखने को मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा है सबको मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, पर मास्क क्या उपलब्ध है मार्केट में, आसानी से आ पाएगा? क्या हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? लोग कहा कि आप खुद बना लीजिए। अब हमारे बहुत लोगों के पास इस वक्त कैंची और सिलने के लिए सामान भी शायद नहीं होगा,
हो सकता आप सी भी ले लेते हो, पर हमारे यहाँ तो इतना मुश्किल है। तो ये जो एक से क्या कहेंगे, आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए, दस्ताना बनाने के लिए, मास्क बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। लेट मी मेक वन क्विक पॉइंट। आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर रिस्पॉन्स टू दिस एपिडेमिक एज वेल एज टू हिस्टोरिकल एपिडेमिक्स इज ड्रिवन बाय ए मिसकंसेप्शन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, एंड दैट मिसकंसेप्शन इज इफ ओनली वी हंकर डाउन for 3 weeks, for 3 more weeks, this whole problem will go away. There will be no virus. There will be no illness. We can simply go back. Either by implication or occasionally by explicit statement, this is what we are telling each other. This is what our leadership is telling each other. And as a result, we are treating this as a short-term crisis, in which all that is necessary is to keep people at home for 3 weeks or for 3 weeks more. And that in part is what is driving our law and order perspective approach to the implementation of the lockdown. So quite apart from the fact that we have silly things like shops being open for only 2 hours in a day, in a period where the lockdown is intended to achieve physical distancing, when really, if you want to achieve physical distancing, you should have shops open 24 hours. But apart from that, there is this core issue of we don't have to do anything. We only have to stay at home for 3 weeks or 6 weeks, and the whole problem will go away. We need to be clear to ourselves that what we are trying to do with lockdowns, which is simply an extreme version of achieving physical distancing and achieving careful containment of hotspots, is that our case numbers will increase, will accumulate slowly rather than rapidly, so that we can build up our public healthcare facilities to the point where we can take care of every seriously ill person. And that is going to go on until the virus has expanded in the community to the point that most of us are immune, and therefore the virus transmission is less and less efficient. And in general, the virus ceases to be a massive public health problem and comes back down to being a problem of some individuals who have the misfortune to be severely ill with the virus. This is going to take months and months. This is not a 3 week, 6 week problem. And therefore, unless we have community participation with full community understanding, we are not going to be able to deal with it the way we seem to be thinking we can, by a traditional policing approach of enforcing a stay at home order. Thanks, Satyajit, for being with us. Dhanyavaad, aapko aur Bappa Sinha ko hamare saath होने के लिए। आपसे और भी बातचीत इस बारे में हम करते रहेंगे। न्यूज क्लिक में आज इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज क्लिक।